पिथौरागढ़ में असंगठित कर्मकार मजदूर कल्याण संघ द्वारा मानदेय सूची तय की है तथा कार्मिकों के परिचय पत्र बनाए जा रहे हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में बाइक सवार दो युवाओं को लूटने के लिए आधा दर्जन युवकों ने रोक लिया। विरोध करने पर एक युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। रामपुर निवासी हरपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि उसका पुत्र जितेंद्र कुमार सिडकुल में मजदूरी करता है। बीती रात्रि 11 बजे वह अपने साथी पुष्पेंद्र यादव के ट्रांसपोर्ट से घर की तरफ जा रहा था। साथ में रामपुर का ही प्रियांशु गंगवार भी था। हनुमान धाम के समीप मार्ग में खड़े 4-5 लड़कों ने उन्हें रोक लिया और लूट की कोशिश की। विरोध करने पर लड़कों ने जितेंद्र पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली जितेंद्र के सीने और हाथ में लगी है। प्रभारी निरीक्षक भारत सिंह ने बताया कि आरोपियों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ नगर के लिंठुड़ा वार्ड में पिछले 3 दिनों से पानी की आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। नलों से पानी की जगह केवल हवा निकल रही है। परेशान वार्ड वासियों ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी को अपनी समस्या बताई। पूर्व सभासद केदार सिंह लुंठी ने कहा कि गांव में 500 से अधिक परिवार मूल निवासी हैं। ऐसा है, हमारे यहाँ 500 परिवार से ज्यादा अधिक लोग रहते हैं, क्योंकि ये मूल निवासी हैं जबकि, और यहाँ पानी की इतनी समस्या हो गई, बहुत ही समस्या हो गई। बच्चों स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो कृषक हैं वो अपना खेतों का काम नहीं कर पा रहे हैं, और जब भी पानी आ रहा तो उसमें केवल हवा के पानी की जगह हवा आ रही है, उसमें एयर आ रही है। नलों में पानी नहीं आने से लोगों को काफी दूर से पानी ढोना पड़ रहा है। लोग प्राकृतिक जल स्रोतों का दूषित पानी पी रहे हैं। इससे गांव में पीलियां, वायरल टाइफाइड के मरीज बढ़ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। उन्होंने अविलंब गांव के लिए नई पेयजल लाइन बिछाने, टैंक बनाने और प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति किए जाने की मांग की। वार्डवासी हयात सिंह, त्रिलोक सिंह, संदीप, शमशेर सिंह, जगत सिंह, रोहित, लक्ष्मण सिंह आदि ने जिला अधिकारी को समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। सहायक अभियंता जल संस्थान विनय जोशी ने कहा है कि रविवार से वार्ड में प्रातः 7 बजे से 1.5 घंटे पेयजल आपूर्ति दी जाएगी। जिला मुख्यालय से लगे पपदेव गांव में भी पेयजल का संकट गहरा गया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गांव के आधा दर्जन परिवारों को 50 वर्ष पूर्व घाट पेयजल योजना से कनेक्शन दिए गए थे। इन कनेक्शन में अब पानी नहीं आ रहा है। हमारे जो पानी के जल स्रोत थे वो सूख गए हैं। ये ओला घाट और घाट पंपिंग योजना चलती है, जिससे हमारे यहाँ कतई भी पानी नहीं आ रहा है, जिससे काफी समस्या बनी है। कुछ पुराने कनेक्शन ऐसे हैं जो 50 साल पुराने हैं, वो बेचारे भी आज दयनीय स्थिति में है। ये पानी के कारण वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि घाट पंपिंग जल संस्थान से कि तुरंत हमको घाट से जैसे सुचारू रूप से पहले पानी चलता था वैसे चले और हमारे गांव को पानी मिले, जिससे ग्रामीणों के समक्ष गंभीर पेयजल संकट खड़ा हो गया है। गांव के प्राकृतिक पेयजल स्रोत सूख जाने से लोगों के लिए मवेशियों को पालना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने अविलंब समस्या के समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने अपनी समस्या जिलाधिकारी के सामने रखी। जिलाधिकारी रीना जोशी ने रविवार को जांच के लिए गांव में टीम भेजे जाने का भरोसा ग्रामीणों को दिया। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों में राजेश कुमार, जीवन लाल वर्मा, शंकर लाल वर्मा, राधे लाल वर्मा, गजेंद्र लाल वर्मा, हर लाल वर्मा, जय लाल वर्मा आदि शामिल थे। कुमाऊं मंडल में न्याय की देवी के रूप में विख्यात कोटगाड़ी मंदिर में इन दिनों भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। पूरे राज्य के साथ ही देश के विभिन्न क्षेत्रों से भी श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पाठक ने बताया कि पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना हुआ है। कोटगाड़ी मंदिर पहुंचने के लिए पर्यटन स्थल चौकौड़ी से 18 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। माना जाता है किसी व्यक्ति को कहीं भी न्याय नहीं मिलता तो उन्हें माता कोटगाड़ी के दरबार से न्याय हासिल होता है। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा
हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।